जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट फोर्थ करने वाले हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने इसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चन रखे हैं जिनको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर नोट कर लीजिए। जो भी कंसेप्ट मैं आज बताऊं वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मान के चलो, एक चीज़ बताओ आप मुझे, एक वस्तु 15 रुपये की आती है, एक वस्तु 15 रुपये की आती है, कितने की आती है, 15 रुपये की। तो 8 वस्तु कितने की आएगी, तो आप बोलोगे 15 × 8 = 120 रुपये की आएगी। कितने की आएगी, ये हो जाएगी आपकी टोटल क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी। ये क्या था, ये क्वांटिटी थी भाई। तो एक वस्तु 15 रुपये की आती है, तो 8 कितने की आएगी, 15 × 8 = 120 की आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में ज़्यादातर अब यही लगेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये टोटल, ये वैल्यू फिक्स हो जाए, टोटल रुपीज़ 120। अगर मान के चलो एक व्यक्ति है, और वो क्या हुआ, उस वस्तु का मूल्य कुछ रुपए कम हो गया, 12 रुपए की होगी एक वस्तु, तो कितनी आएगी। अब ये 10 वस्तु खरीद के ला सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 120 यहाँ पे है, 120 ही यहाँ पे रखूँ, और एक वस्तु का मूल्य पहले 15 रुपये था, अब कितना हो गया, 12, तो 12 में किससे गुणा करें ताकि 120 आए। तो यहाँ पे ये जो 8 और 10 आए, पहले वस्तु का मूल्य कितना था, तो आप बोलोगे कि 15 था, अब कितना हो गया, 12। तो अगर मैं क्वांटिटी का, रुपये का रेशो निकालूँ, रुपीज का, ध्यान से समझियो आप, तो 15 / कितना आएगा, 12 आएगा, और वो अनुपात कितना आएगा, 3 × 15 और 3 × 12, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ से क्वांटिटी का रेशो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि क्वांटिटी का रेशो कितना आएगा, तो आप बोलोगे वहाँ से 8/12, अर्थात 8/10, सॉरी 8/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से काट दो, ये 4, ये 5। मतलब अगर टोटल वैल्यू फिक्स हो, तो जो रुपए का अनुपात होगा, क्वांटिटी का अनुपात उसका उल्टा होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। अगर फिक्स वैल्यू है हमारे पास दो कंडीशन में, तो रुपीज़ गुणा क्वांटिटी, ये वाला होता है क्वांटिटी। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके रुपीज़ बढ़ते हैं, तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। अगर आपके रुपीज़ घटते हैं, तो क्वांटिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर ही आज हम सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या कहा क्वेश्चन में, दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपये में 6.2 लीटर दूध ज़्यादा खरीद कर लाता है। अभी दूध का मूल्य ज्ञात करें। मुझे आप ये बताइए कि 10% की कमी आ गई रुपए में, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, 10% की कमी आ गई, पहला 10 थी, 10 से कितनी हो गई, 9 रुपीज़ में कमी आ गई, तो क्वांटिटी की रेशो कितना आएगा, 9/10 आएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले क्वांटिटी कितनी आती थी, 9, अब कितनी आने लग गई, 10 आने लग गई, अर्थात पहले 9 आती थी, अब 10 आने लग गई, तो कितना आ गया, 1 ज़्यादा आने लग गई, और उस 1 का मान कितना है, 1 का मान है 6.2 लीटर, ठीक है, 6.2 लीटर दूध ज़्यादा खरीद कर लाता है। अभी दूध का मूल्य ज्ञात करें, तो अभी दूध का मूल्य ज्ञात करना है, तो अब कितना हो गया दूध का मूल्य, तो आप बोलोगे कि अब तो दूध का मूल्य होगा 62, और पहले कितना था, पहले कितना था, यहाँ से हो जाएगा 55 पॉइंट, कितना, 9 × 2 = 18, 55.8 था, ठीक है। तो पहले मूल्य कितना था, पहले क्वांटिटी कितनी आती थी, 55.8, अब कितनी आने लगी, 62। अब क्वेश्चन में कहा गया, तो अभी दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अभी दूध का मूल्य ज्ञात करना है, तो 62 रुपये है वर्तमान मूल्य, तो 62 किलोग्राम खरीद के ला रहे हम क्वांटिटी,
62 किलोग्राम क्वांटिटी खरीद कर लावे कितने में, 1116 में। तो एक का मान कितना आएगा यहाँ से, 18 आ जाएगा। तो 1 लीटर का मान 18 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। 18 दूनी 36 का 6 का 18 5 90, 18 6 का 108 और 3 11 111, 18 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा। तो उसका वर्तमान मूल्य देखो भाई, ये वाला तो हो जाएगा आपका पहले का मूल्य ऊपरले वाला ये ऐसे, और ये वाले हो जाएंगे बाद का। तो पहले कितनी क्वांटिटी आती थी, 55.8, अब कितनी आने लग गई, 62 किलोग्राम आने लग गई, ये 62 लीटर आने लग गई, इसे किलोग्राम के बजाय लीटर लिख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी परसेंटेज गिवन है उसका उल्टा लेना है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम आते हैं, एक दर्जन अंडे की कीमत क्या है। देखो मुझे आप ये बताओ, अगर एक अंडा 2 रुपये का है तो 12 कितने का आएगा, 12 दूनी 24। अगर एक अंडा 3 रुपये का है तो 12 अंडे कितने के आएंगे, तो 12 अंडे आएंगे 36 के। कहने का मतलब ये, जो भी 12 अंडे आएंगे वे 12 अंडे 12 का गुणा जाएंगे, तो 12 का गुणा कौन सा इसमें, ऑप्शन डी में डायरेक्ट हम 36 लगा देंगे इसका आंसर। कितना लगा देंगे, 36 लगा देंगे इसका आंसर, मौखिक ही हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि एक दर्जन अंडे की कीमत पूछी, एक दर्जन का मतलब 12 अंडे की कीमत पूछी, अगर एक अंडा 2 रुपये का आता है तो 12 कितने के आएगी, 24 के, 24 ऑप्शन में है नहीं। अगर एक अंडा 3 रुपये का आ रहा तो 12 अंडे कितने के आएगी, 12 दुनी 12 36, तो 36 ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करेगी इस सवाल को, मौखिक ही हो गया वैसे तो। अब चलते हैं, देखो अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, 50% का मान कितना होता है आपका, 1/2 होता है, मतलब रुपीज में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। पहले 2 था, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से क्वांटिटी का रेशो क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा, मतलब पहले 3 आते थे अब 2 आने लग गए, तो इसका मतलब क्या आने, क्या हो गया, एक अंडा कमाने लगा, और उस एक का मान कितना है, एक का मान है 4, तो 3 का मान कितना आएगा, तो 3 का मान आएगा यहाँ से 3 चौक 12, पहले 12 अंडे आते थे अब कितने आने लग गए, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ कितने आने लग गए, 4 दूनी 8, तो पहले तो आते थे 12 अंडे अब आने लग गए 8 अंडे। तो इसमें बताना एक दर्जन अंडे की कीमत क्या है, ठीक है, एक दर्जन अंडे की कीमत क्या है ये बताना है, 12 अंडे की कीमत बतानी है। तो 8 अंडे की कीमत कितनी है, 8 अंडे की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, 24 रुपये, 24 रुपये में। तो एक अंडे की कीमत कितनी आएगी, एक अंडे की कीमत, एक अंडे की कीमत आएगी आपकी कितनी आएगी, एक अंडे की कीमत आएगी आपकी 3 रुपये। तो 12 अंडे की बतानी है, 12 अंडे की कितनी आ जाएगी, 12 36 36 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सवाल था, आप इसको कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो भाई सेम इसी की तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केले के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो गई, 16.2/3 के फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, इसका परसेंटेज कितना होता है, ये होती है 1/6 होती है, कितनी होती है 1/6। तो केले के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता है, मतलब रुपए में कितने की वृद्धि हो गई, रुपए में वृद्धि हो गई, 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी आएगी, 7 की बजाय 6 आएगी, तो कितनी कमाने लग गई, 1, और उस 1 का मान कितना है इसमें, 5 केले कम खरीद पाता है। इसका मतलब है, तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीदता था, तो पहले कितने खरीदता था, 7, तो 7 5 कितना आ जाएगा, 1 कमान 5, तो 7 कमान 7 5 35 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब का पूछता तो अब का कितना था, 5 6 30, अब कितने अंडे खरीद पाएगा, अब कितने केले खरीद पाएगा 1 रुपये में, 1 रुपये में खरीद पाएगा वो 30 अब, लेकिन पहले कितने खरीद पाता था, तो यहां से 7 5 35 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर करके छोड़ दे, ठीक है, ये आयकर वाला। देखो अगर मैं इनकम टैक्स देखूं, इनकम टैक्स किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि इनकम प्लस टैक्स, इनकम गुणा टैक्स, इसके बराबर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है,
इनकम टैक्स क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक तो पॉइंट आपको मैं ये याद रख लेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में ये देख लिख लेंगे इस क्वेश्चन में, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी यदि दोनों की आय बराबर है, ये क्वेश्चन में ये और लिख लेंगे, इस क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे बाद में, यदि इस क्वेश्चन के लास्ट में यदि दोनों की आय समान है, दोनों की आय क्या है, समान है, दोनों की आय क्या है, समान है, दोनों की आय समान है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस सवाल में, इस सवाल के लास्ट में फिर क्या कहा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और उसका आय का 18% से 15% घट जाता है। देखो इनकम टैक्स किसके बराबर हुआ, इनकम गुणा टैक्स, अर्थात मान के चलो किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है 100 रुपये है और टैक्स कितना लग रहा है उस पर 28%, तो 28% कितना हो जाएगा 28, तो इनकम टैक्स कितना गया उसका 28 रुपये गया, तो इनकम टैक्स किसके बराबर हुआ, इनकम गुणा टैक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भाई, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर हमारी इनकम घटेगी तो टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा फिर। ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही तो टैक्स घटेगा, इनकम घट रही तो टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे उसमें बताया था ना कि अगर फिक्स वैल्यू है, इससे पहले वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था, फिक्स वैल्यू अगर ये हो तो किसके बराबर होता है, ये रुपीज गुणा क्वांटिटी, मूल्य गुणा मात्रा के, रुपीज गुणा क्वांटिटी, आरएस गुणा क्वांटिटी, यही तो बताया था मैंने इससे पहले वाला पॉइंट, तो इसमें ये वाला लगेगा, सेम यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति क्या है 18 रुपये बढ़ जाती है, क्या हो जाता है 18 रुपये, 1800 रुपये बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है, तो जो उसका आयकर है, टैक्स है, जो उसका टैक्स है वो कितना है 18% से, 18% से 15% हो रहा, दोनों का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5 किसका आ गया, टैक्स का वैल्यू आ गया, तो आप बोलोगे कि इनकम का रेशो कितना आएगा, तो इनकम का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 5 से कितना हो जाएगा 6, मतलब पहले 5 इनकम थी, अब 6 इनकम हो गई, तो इनकम कितनी बढ़ गई, एक, उस एक का मान कितना है, उस एक का मान है 18,000, 1800, सॉरी। फिर क्या कहा, दोनों स्थिति में 29.95 आयकर मुफ्त होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय 29.95 का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी यदि दोनों की आय समान है, ये वाला भी क्वेश्चन के लास्ट में लिखना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है ये, तो इन दोनों स्थिति में 29.95 आयकर मुफ्त होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय कितनी थी 5, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 1800 गुणा 5, 18,590, 9,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल था, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो भाई इसके जैसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब की बार क्या दे दिया, उनकी इनकम का क्या कर दिया, चेंज कर दी, एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, तो आयकर की दर, टैक्स कितना हुआ, टैक्स 15% से कितना हो गया 18%, तो आप बोलोगे कि उनका रेशो कितना आ गया, 5/6 हो गया, तो इनकम का रेशो कितना आ जाएगा, इनकम का रेशो आ जाएगा आपका, इनकम का रेशो आएगा आपका 6/5 आएगा, ये कब आता, जब दोनों की आय इक्वल होती, लेकिन इस क्वेश्चन में एक आ गया कि भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है, मतलब यहाँ पे कर का अनुपात, जो भी कर का अनुपात होगा वो उनकी आय के अनुपात के बराबर होगा, मतलब आय का अनुपात कितना है, तो सबसे पहले हमने लिया 3:2, हमने क्या करा 3:2 को बराबर कर लिया, जैसे इसमें क्वेश्चन में था ना दोनों की आय बराबर है, तो दोनों की आय बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दो, ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की आय क्या हो गई, इक्वल हो गई, समझ में आ गया होगा आपके पॉइंट, तो दोनों की आय क्या हो गई, इक्वल हो गई, हमने क्या करा 15% वाले में तो किससे गुणा करी हमने, 15% वाले में तो 2 से गुणा करी, और 18% वाले में किससे गुणा करी हमने, हमने गुणा करी वहां पे 3 से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि दोनों की आय इक्वल कर ली, दोनों की आय इक्वल कर ली हमने इसकी। ठीक है, क्योंकि आय क्या होती है, आय बराबर होती है, आय किसके अनुपात के बराबर होगी, इनकम बराबर होगी
उनके टैक्स के अनुपात के बराबर होगी। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दो इसको, 3 पर 15 5, 2 से कट्टा 9, तो यहाँ से आगा 5/9 आ गया उनके टैक्स का अनुपात। तो इनकम का रेशो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि इनकम का रेशो आएगा उनका 9/5 आएगा। तो पहले इनकम 9 थी, अब कितनी हो गई 5, तो कितनी घट गई, तो आप बोलोगे कि 4 घट गई। क्वेश्चन में कितनी घट रही थी, 3,000 रुपये कम हो जाती है, एक का मान 750 आ जाएगा। फिर क्या निकालना था, तो उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय कितनी थी 9, 9 का मान कितना आएगा, 9 × 750, 900, 9 × 45, 9 × 67 63 और 4 × 67, 6,750 रुपये उसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये वाला सवाल था, बेहद आसान सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, तो 6,750 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो दोबारा से बता देता हूँ, दोनों की इनकम का रेशो, अब की बार क्वेश्चन में दोनों को इनकम का रेशो अलग अलग है, तो हमने क्या करा, दोनों को इक्वल कर लिया, 2 से गुणा कर लिए 6, या 3 से गुणा कर लिए 6, दोनों की इनकम हो गई बराबर। दोनों की इनकम क्या हो गई बराबर। जब दोनों की इनकम बराबर हुई, तो हमने इस वाले में पहले वाले में किससे गुणा करी, 2 से, तो पहले वाली टैक्स में भी हम 2 से गुणा कर देंगे, टैक्स भी कितना हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में 3 से गुणा करी यहाँ पे हमने, तो यहाँ भी 18% में 3 से गुणा कर दी, तो उनका जो टैक्स का रेशो आ गया, टैक्स का रेशो आ गया 5/9 आ गया, तो इनकम का रेशो कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में, 3,000, 1 का मान 750, प्रारंभिक आय पूछी थी, तो प्रारंभिक आय कितनी हो जाएगी इसकी, 6,750 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अंगूठा दिखा दो भाई, अंगूठा दिखाने का मतलब फोटो खींच के नहीं दिखाना, आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्या कहा, यदि एक दिन के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी हो जाए, तो उसका मान 15/16 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। देखो, जब भी भिन्न माननी हो तो x बटे वाई के रूप में मानते हैं, x को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, अर्थात इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, डेनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या था, हर, जब अंश और हर गिवन है, अंश और हर गिवन है, तो अंश भी अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में 100% होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि अंश में कितने की वृद्धि हुई, 15% की, तो ये कितना हो गया, 115% हो गया। ठीक है, और हर में क्या हुआ, 8% की कमी हो गई, तो ये हर कितना रह गया, तो 92% रहेगा। अब ये भिन्न का मान कितना रह गया, 15/16 हो गया। हमें x बटे वाई का मान निकालना है, तो 92 को उधर ले जाओ, 15 × 92 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 × 115, 23 से कटो, 23 × 115 और 23 × 92, 4 से काट दे, 4 × 16, 5 से इसको काट दे, 5 से 15, एक्स बटे वाई का मान आ गया, मूल भिन्न कितने आ गए, 3/4 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बेहद आसान सा सवाल था, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कितना बढ़िया है, एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी की गई, इसके व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी। मुझे आप ये बताइए कि एक्स वाई स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एक्स गुणा वाई गुणा वाई, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। मान के चलो पहले इनका मान कितना था, 10 10 था, 10 10, तो इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि पहले इनका मान 1000 था, फिर क्या हुआ, 20% की कमी हो गई, तो 10 में अगर 20% की कमी करूँ मैं, 10 का 20% निकल रहा 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अर्थात 2 की कमी हो गई, 2 से कमी कितनी हो गई, ये 8, ये भी कितना हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, 8 8 64 8 512, तो कितने की कमी आई, 1000 में से 512 घटा दो, तो आप बोलोगे कि 488 की कमी आ गई, और वो किस पाई हुआ, 1000 पे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, इससे कैंसिल, 48.8 आ जाएगा आंसर, 48.8% की कमी आ जाएगी। ये वाला भी अच्छा सवाल था, सीपीओ 2007 में आया था ये वाला सवाल। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते, फटाफट नोट करते जाइए भाई सभी। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर,
तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। मान के चलो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 100%, इनकम कितनी है 100%, 100% है, 30% तो भोजन पर खर्च कर दिया, 20% बच्चों की पढ़ाई पर, तो कितना बच गया उसके पास रिमाइंडर, या शेष कितना बच गया उसके पास, रिमाइंडर कितना बच गया, 100 में से घटा दिया तो 50% बच गया। फिर क्या कहा, शेष का 60% घर के किराए पर, तो शेष का 50 का 60%, 60/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 30, 30 कहीं पर खर्च कर दिया उसने, घर के किराए पर व्यय करता है, घर के किराए पर व्यय करता है, तो 30 उसने यहाँ खर्च कर दिया, तो कितने बचे उसके पास, 20 बच गए, और उस 20 का मान कितना है, उसके पास आय का कितने प्रतिशत बचा, तो 20 बचा कितने का, 100 का, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, इससे कैंसिल, 20% आ जाएगा, तो उसके पास आय का 20% बच गया। ठीक है, आसान सा सवाल था ये वाला भी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ए बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से, ए और बी है तो ए बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी अगर एक है तो ये 6 गुना तो ज्यादा है, और एक इसके जितना है तो इसका मतलब ये कितना है, 7, 6 गुना नहीं है, अगर ए बी से 6 गुना होता तो हम यहाँ एक लिखते, इसको 6 लिखते। क्वेश्चन में कहा ए बी से 6 गुना ज्यादा है, एक 6 गुना क्या है, ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम हुआ, 6, किससे, ए से, ए से तुलना करा रहे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, 100 से गुणा, 600/ कितना हो जाएगा आपका, 7, 7 8 56, 4 शेष बचेगा, 7 5 35, 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 85.71% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सभी, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए और बी दो बंदे हैं, ए बी से 20% कम है, बी 100 मान लिया, 20% ये कम, तो ये 80 हो गया। फिर क्या कहा, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, 20, और किससे, ए से, ए से तुलना करा रहा, तुलना कराने वाला नीचे लिखा जाता है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 20 चौक 80, 4 5 कितनी बार, 25 बार कट जाएगा, तो बी ए से 25% अधिक हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपके यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवे में भर भर के आते हैं ये वाले क्वेश्चन, और इनमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान होते हैं ये, बस ये याद रखो, जिससे तुलना करा रहे उसे नीचे रखेंगे, और जिसकी तुलना करा रहे उसको ऊपर रखते हैं। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि करने के कारण 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। मुझे आप ये बताइए कि 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे कि 1/3 होती है। ठीक है, इतने की वृद्धि हो गई रुपये में, रुपीज में कितने की वृद्धि हो गई, 3 से कितना हो गया 4 हो गया, 3 से कितना हो गया 4, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी 4 से 3 आएगी, तो पहले क्वांटिटी 4 आती थी, अब 3 आने लग गई, तो कितनी कमाने लग गई, 1, उस 1 कमान क्वेश्चन में कितना है, 4, तो 4 कमान कितना हो जाएगा, 16, 3 कमान कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 गुना करेंगे तो इसका मान 16, और यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो 12, मतलब पहले 16 आते थे, अब कितने आने लग गए, 12। फिर क्या कहा, सेब की वास्तविक कीमत कितनी है, तो पहले तो 1 रुपये में 16 आते थे, तो 16 सेब आते थे 16 रुपये में। ठीक है, 16 सेब कितने में आते थे, पहले 16 सेब आते थे 16 रुपये में, तो 1 सेब कितने में आएगा, तो आप बोलोगे कि 1 सेब बराबर आएगा कितने में, 1 रुपये में, और उस 1 रुपये को क्या लिख लेंगे हम, 100 पैसे, क्योंकि क्वेश्चन में पैसे में आंसर पूछा है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन में कि बने ना, सेब की वास्तविक कीमत पैसे में कितनी है, तो पैसे में कितनी हो जाएगी, 100 पैसे हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपये का 1 सेब बैठेगा, और 1 सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, 100 पैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई ध्यान से समझो, ए बी सी तीनों को लिख लो, सबसे पहले ए बी सी तीनों को लिख लिया, क्या कहा क्वेश्चन में, ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है, बी 100 मानना, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ए बी से 20% अधिक है, सी बी से 20% कम है, जो सी है वो बी से 20% कम है, इसका मतलब ये कितना है, 80 है। फिर क्या कहा, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम हुआ, सी ए से पहले देखो कितना कम है,
40 कम किससे 120 से, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, क्योंकि सी की तुलना कराई गई किससे ए से, तो जिससे तुलना कराई गई वो नीचे, जिसकी तुलना कराई गई वो ऊपर। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, चार से इसको काट दो, तीन से जब 100 को कटेंगे 33.33% आएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। बेहद आसान सा सवाल था। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 2508 शेष बचता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक संख्या मान के चलो x थी। अब 12% की कटौती की गई तो इसका मतलब कितनी रह गई, ये 88% रह गई, 88/100 रह गई अब संख्या, ये वाली रह गई। फिर क्या हुआ, संख्या से 25% की कटौती करने पर बची हुई संख्या ये वाली आ गई, उससे 25% की कटौती करी तो संख्या अब कितनी रहेगी, 75%, 75/100 रह गई। और उसे करने के बाद शेष कितनी बचती है, 2508 शेष बचता है। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 और ये 4 लिख लेंगे, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा, 22 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2508 गुणा 100 और बटे में कितना आएगा, यहाँ पे 3 गुणा 22 आ जाएगा, यहाँ से 50 और यहाँ से 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 × 22 शेष कितना बच गया, यहाँ से 30, 11 × 22 और 11 × 88, 3 से इसको काट दो, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 18 एक्स का मान आ गया 76 × 50। एक जीरो चिपका देंगे पहले तो, और 2 0 5 × 6 = 30 की जीरो, 5 × 7 = 3500, 38 3800 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, वो 3800 थी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, इन सवालों को एक एक लाइन में हल कर सकते हैं, तो समझाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, वरना ये सवाल मौखिक हो जाएंगे। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपको रिवाइज कराना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पी पी क्या उसे कितना अधिक है, पी क्या उसे 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है, यदि क्यू का मान 150 है। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है आपका 150 रुपये है। फिर क्या कहा, पी क्या उसे 20% अधिक है, तो जो पी है वो क्या उसे कितना है, क्या उसे 20% अधिक है, क्यू का कितना है वो 120% है। तो क्यू कितना था, 150 गुणा 120% निकला बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 × 15 की गुणा 180, मतलब पी का मान हमें पता चल गया कितना आ गया, 180 आ गया। फिर कहा, पहले वाली लाइन पर आ जाओ, दूसरी वाली लाइन पे, पी क्यू से 20% अधिक, तो पी का मान कितना आ गया 180, क्यू का मान आ गया 150 तथा पी आर से 40% कम है, तो जो पी है वो आर से कितना है, 40% कम है, मतलब आर का 60% है, 60/100, पी का मान कितना आ जाएगा 180 बराबर, आर का मान निकालना है हमें 60/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6/10 आ गया, कितना आ गया 6/10, 36 + 36 = 18, 30 × 10 गुणा करेंगे आर बराबर आ जाएगा 300, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, देखो 20% की वृद्धि हो गई भी चीनी में, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे कि 1/5 होती है, मतलब मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई, रुपीज में कितने की वृद्धि हो गई, 5 से हो गई आपकी 6, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, 6 से 5 आएगी, मतलब पहले कितनी आती थी क्वांटिटी 6, अब कितनी आएगी 5 आएगी क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, ये क्वांटिटी है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा भाई क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी आएगी 6 से 5, तो पहले कितनी आती थी 6 किलोग्राम आती थी, अब 5, तो कितनी कमाने लगी, एक कमान कितना है 4 किलोग्राम चीनी कम मिल गई, तो 6 कमान प्रारंभिक मूल्य है, तो 6 कमान कितना आ जाएगा, 6 × 24 = 24 आ जाएगा, 24 किलोग्राम खरीद पाता था पहले, अब कितने खरीद पाता हूँ, केवल 20 किलोग्राम खरीद पाता हूँ। क्या कहा क्वेश्चन में, चीन का
चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? चीनी का निकालना है प्रारंभिक मूल्य। मुझे आप ये बताइए कि पहले कितनी खरीद पाता था? 24 किलोग्राम। कितने में? 24 किलोग्राम खरीद पाता था 120 रुपये में। तो 1 किलोग्राम कितनी खरीद पाता था पहले? 1 किलोग्राम खरीद पाता था 24 × 5 120, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले कितनी खरीद पाता था? 5 किलोग्राम खरीद पाता था, ठीक है, 120 रुपये में। चीन का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो 5 रुपये आ जाएगा भाई। चीन का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये किलोग्राम के बजाय भाई रुपये है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम है पहले वाला, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो देखो भाई, ए और बी दो बंदे हैं। ए का वेतन बी से 50% अधिक है। अगर बी का 100 है तो ए का कितना है? 150 है। फिर क्या कहा? तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन कितना कम है इससे? 50। किससे? ए से 150। प्रतिशत हमें चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो बी का वेतन आ जाएगा ये। बी का वेतन 0 से 0 कैंसिल, 1/3, 3 से 6 कटेगे, 33 सही, 1/3% या फिर 33.33% भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल था। चलते अब हम, दो तीन क्वेश्चन हो गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। एक्स और वाई है, अब की बार 5 गुना अधिक नहीं है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। तो वाई एक है तो एक्स कितना है? 5। अगर 5 गुना ज्यादा होता तो यहाँ 6 रखते हम, ठीक है। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो 4। और किससे? एक्स से 5/5% में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 5 से इसको कटो 20, वाई का मान आ जाएगा 80%। तो वाई कितना कम है? 80% कम हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल मौखिक ही कर सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल पता नहीं एग्जाम में कितनी बार आ चुका, यूपीएसआई में कि कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में, और एसएससी जेडी में कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में जरूर आएगा सेम क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% की कमी की गई। जब उतने की वृद्धि हो उतने की कमी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, और वो कमी किसके बराबर होती है? जो भी परसेंटेज हो, जैसे 10 का स्क्वायर / 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल, तो मौखिक हो जाएगा 1% की कमी आ जाएगी। 1% की कमी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।